कसा काय. सो हियर द थिंग इज कि वही है वही जो राम रचे राखा मैं आज तक बोलता था, लेकिन आज हमें एक शख्स ने कहा कि वही है वही जो श्रेयस रचे राखा. तो ये बहुत ही बढ़िया हमें लगा. तो अब बात ये कि वी वेर सपोज टू गो टू त्र्यंबकेश्वर और वहाँ से 201 किलोमीटर आगे और एक ज्योतिर्लिंग है उसको करना था. तो एंड वी वेर सपोज टू लीव बाय 6 AM बट वी कुडेंट कोई वजह से. आज एयर इंडिया भी डिले हो गई और उसके बाद बड़े पापा और बड़े मम्मी भी वो लोग भी डिले हो गए थोड़े. तो हम लोग 7 बजे निकले और हम लोग जो है शॉर्टेस्ट रूट और जिसमें ट्रैफिक सबसे कम होता है वाया गुजरात लेन लेके आई टुक फॉर द त्र्यंबकेश्वर. और यहाँ पर इन लोगों ने कुछ आंदोलन लगा के रखा था. अब आंदोलन वाला सीन ऐसा है कि कोई बोल रहा है 10 बजे खुल जाएगी, कोई बोल रहा है 1 बजे, कोई बोल रहा है अब पता चला कि 2 बजे रात से ये लोग आंदोलन लगाए हुए हैं, तो 2 बजे रात तक भी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इधर रुकने का या क्या करने का दिमाग में हमारे, आप सब लोगों को पता ही है कि शक्तिपीठ की यात्रा जो है आरंभ हो चुकी है. तो दिमाग में हमारे महालक्ष्मी वाला बात था और उधर जो भी एक दो और है वो सब करना ही था. 3.5 शक्तिपीठ जो है वो मुंबई में, जिसमें से एक अभी सप्तशृंगी कुछ दिन पहले हो गया. सो नाउ वी वर जस्ट 82 किलोमीटर्स नियर टू त्र्यंबकेश्वर बट आंदोलन मिल गई. अब बात वही था कि होइए वही जो श्रेयस रचे रखा. तो महादेव को कुछ ना कुछ करना था, उन्होंने कहानी पलट दी और फिर अब हम लोगों ने यू टर्न लेके कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल के लिए यात्रा जो है आरंभ कर दिया है. और हमारे साथ है यात्रा में नंबर 1 हमारे इधर एयर इंडिया 6:45 बोल के 7:45 आई और इधर हमारी बड़ी मम्मी इधर बड़े पापा. देखा बड़ी मम्मी बड़े पापा का कहानी क्या बता देते हैं. तो ये जो है हाइट में पापा से थोड़े बड़े थे, बचपन से हम लोग इनको बड़े पापा बोलना शुरू कर दिए. जी हाँ, लेकिन ये हैं एक्चुअली में छोटे पापा. मतलब हमारे पिताजी हैं बड़े, ये हैं छोटे, लेकिन छोटे होते हुए भी बड़े, दैट मीन्स बड़े पापा. ठीक है, अब जैसे हम लोग अपनी नानी को जो है माँ बोलते हैं और जो मम्मी की जो कौन है बुआ है, बुआ ही हाँ, उनको नानी बोलते हैं. तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी यही कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं. तो बस यात्रा हुआ आरंभ और यहाँ से 11 घंटा 1 मिनट वाओ सीधा इंजन नंबर 111 11 घंटा 1 मिनट बाकी है. ठीक है, अब ऐसा लग रहा है हम लोग वापस मुंबई जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अंगड़ाई लेते हुए और हमारी यात्रा होती है शुरू. अब जहाँ पर भी हम लोग रुकते हैं उसका अपडेट देते हैं और श्री गणेशाय नमः. तो दरअसल बात ये हुई थी कि कल बड़ी मम्मी ने कुछ बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त गट्टे की सब्जी, तो इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने इतना खा लिया कि रात में खाना ही इग्नोर कर दिया और रात का खाना बच गया. तो जी हाँ, तो हम लोग होटल में अपने ही खाने को सर्व कर रहे हैं. लेफ्ट ओवर फूड बाय द वन एंड ओनली द एयर एंड हियर एंड वेरी वेरी नीट एंड टाइडी. चको मेरा तो बैंगलोर में किला आग लगा हुआ फोन साला, आग लगा के मुंह में घुसेड़ दिया. सलाम बोले कितना बकलो बोले क्यों किया है ऐसा भाई. दिक्कत नहीं बुझा है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं बुझा, वो उन लोगों का ट्रिक है. एक दिन बोले हम भी कि करेंगे. अभी सोलापुर जा रहे हैं, कोल्हापुर जा रहे हैं या वापस त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं कुछ पता नहीं. हम जस्ट हैड अ ब्रेक, जस्ट रिज्यूविनेटिंग माई सेल्फ. आई थिंक आई डिड मेंशन इट बिफोर एज वेल. While I drive, it is absolutely perfect. But immediately, as soon as I leave my car, then हमें जो है I start, you know, rolling round and round, which is so absolutely wonderful thing. So, Mac Cafe at the Magni. We are somewhere near to Lonavala. Now it's calm shit. Now it's calm shit. Cheers. Very, very rejuvenating. So I very rarely sit on the other side in the car.
एक तो नसरीन जी हैं जो एक बार मैं बहुत नींद में था, इन्होंने मुझे मतलब मस्त कहाँ कहाँ से किधर ले आया मुंबई, और अभी बड़े पापा हैं तो आई कैन रिलाई ऑन हिम, क्योंकि मेरा जब से जन्म हुआ है तब से वो कार चला रहे हैं, तो इतना सा उनका एक्सपीरियंस है कि इतना सा मैनेज हो जाएगा। अभी मैं मस्त आराम करने वाला हूँ, बिकॉज थोड़ी थोड़ी एकदम धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट, आपके पास जगह है कहाँ भी रोकना, एकदम देख के समझ के धीरे धीरे पेड़। सो इमरजेंसी ब्रेक तब है जब एकदम सामने आ जाए, ये वाला चीज़ हो गया। बड़े पापा पहली बार कार चला रहे हैं, ये वाला तो थोड़ा सा उनको गाइडेंस देना। कल हार्ले और बुलेट तो ऐसे गाइडेंस नहीं देना था, लेकिन हार्ले में ये थोड़ा सा गाइडेंस दिया, और अब हम लोग का यात्रा जो है शुरू हो चुका है एक छोटे से अंतराल के बाद, और बहुत ही अच्छे तरीके से। श्री गणेशाय नमः। वी आर ऑन द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कामशेद, वी आर जस्ट यू नो क्रॉसिंग इट, एंड ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, आई विल शो द ग्लिम्स ऑफ द आने वाला चीज। और ये रहे महादेव, जय महाकाल, और ये रहा हमारा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस बड़े पापा? क्या 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 डिफरेंस है इसमें और बाकी गाड़ी में? डिफरेंस ही डिफरेंस कुछ है ही नहीं, कंपैरिजन जो हम लोग चलाए मतलब कोई एक दो चीज जैसे पावर, एक बार एक्सेलेरेटर दबा के देखिए, एक बार एक्सेलेरेटर दबा के देखिए अपना एरिया लेकर, है ना? ये भी ले सकते हैं ना, ये ज्यादा पूरा जगह है। मतलब कि ऐसा खुद ब खुद चल रहा है, ऐसा एकदम मक्खन की तरह। Cheers to that। और एक्चुअली नसरीन जी को भी चलाना है, इनको भी चलाना है, लेकिन ये 4,000 करोड़ साल से तैयारी कर रही है। 4,000 अब लेकिन करेंगे, थोड़ा सा हम R&D करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करेंगे तो करेंगे। Our car, we are somewhere, कौन सा जगह है सर? ये सर जी कौन सा जगह है? सतारा है, सतारा। नहीं नहीं नहीं, ये जगह कौन सा? कोल्हापुर। सतारा कोल्हापुर। तो how was the experience of the car? एक नंबर। पावर तो 10/10। ब्रेक सब कुछ मक्खन, सब कुछ ब्रेक, पावर, लाइट सिस्टम और साउंड, म्यूजिक सिस्टम तो तार लग जाने के बाद थिएटर बन गया, थिएटर। तो अभी बड़े पापा ने बहुत किलोमीटर, लगभग 100 तो चला लिए होंगे ना? तो 100 किलोमीटर से ज्यादा चला, एंड इज अ वेरी गुड ड्राइवर। मतलब इनसे मतलब हम लोग मतलब बचपन में आई यूज टू लर्न कि ऐसे पीछे बैठ के सीखते थे कहाँ क्या हो रहा है। तो मतलब ही इज माई, टेक्निकली ही इज माई गुरु, नॉट बिकॉज ही इज माई चाचा, बिकॉज आई यूज टू एडमायर कार ड्राइविंग। मैं बहुत कम उम्र से चला रहा हूँ, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड में, मतलब हम इमरान अंकल हमारे एक ड्राइवर हुआ करते थे, वो आते जाते थे, तो उनके गोद में बैठ के ही गाड़ी में दूसरे ही क्लास से गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब एट अ वेरी यंग एज। तो आई यूज टू अडोर इनको, पापा का तो खैर पापा मेरे लिए हीरो हुआ करते थे कि ऐसा ये गाड़ी चलाते थे पापा, लेकिन आज जो इन्होंने गाड़ी चलाया मतलब वेरी हाइपर स्मूथ फैमिली मोड। मैं थोड़ा सा मैं भी चलाता हूँ फैमिली मोड, बट इज लाइक टू गुड। तो वी आर, इनको नींद आ रही है, मुझे भी थोड़ा ऐसा चक्कर आ रहा है। वी हैव टुक अ हॉल्ट एंड वी हैव रीच कोल्हापुर समवेयर, बट अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर और 100-200 किलोमीटर और अभी है हमारा जर्नी। वी विल टेक अ टी ब्रेक, एंड सर तो पकड़ लिया ऐसे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं।
हर हर महादेव हैशटैग BMW रॉक्स इधर देखो हर हर महादेव तो भाई साहब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है एकदम जबरदस्त वाला उतरने के बाद चक्कर आ रही है हालांकि आई हैव बीन डूइंग दिस लाइक मतलब दिल्ली से भी आ रहा था तो ऑब्वियसली नॉन स्टॉप था तो थोड़ी देर के लिए कार से उतरता था बट ठीक है वी आर 55 किलोमीटर फार फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन जस्ट हैविंग अ लंच ब्रेक चीयर्स टू दैट ये देखिए दो बटर ये देखिए खिचड़ी दाल चावल अच्छा आए देखो थोड़ा धन्यवाद अब आप ये बताइए कि प्लेट में रोटी है या रोटी में प्लेट और ये टंगड़ी और ये है नंबर जय हो टंगड़ी देवी की दव दव दव। एक नंबर भाई साहब चक्कर बहुत आ रही है ये एक रूम लिया सरस्वती नामक रूम महालक्ष्मी शक्तिपीठ के पास इससे बड़ी चीज़ क्या आ सकती है मैं बस सरस्वती और महालक्ष्मी की कृपा चाहिए महाकाल तो अपने साथ ही है मैं सो रहा हूँ बाकी बात सुबह करता हूँ टुडे मुझे बहुत चक्कर आई रे बाबा ओम नमः शिवाय